अरमान और कृतिका की जो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई थी उसको लेकर आप जानते हैं कि शिवसेना ने मांग की थी कि आप इस तरह का कंटेंट जो है दिखा कैसे सकते हैं। हालांकि उसके बाद जियो ने एक स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया था कि जो क्लिप है वो डॉक्टर्ड क्लिप है, इस क्लिप के साथ छेड़छाड़ किया गया है, हमें पता है कि किस तरीके का कंटेंट जो है जा सकता है कैसा नहीं, हम जो प्रोग्रामिंग अपनी गाइडलाइंस है उसको पूरा फॉलो करते हैं और ऐसा कुछ भी हमारी तरफ से नहीं गया है। तो ये बात जो है जियो सिनेमा ने क्लियर की और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट तो इशू किया ही था लेकिन अब उन्होंने साइबर क्राइम में केस भी दर्ज कर दिया है। जी हाँ, साइबर क्राइम में इस बात को लेकर केस दर्ज हो चुका है कि जो ये क्लिप है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, वायरल की गई है और ये किसने किया है ये पता लगाया जाए और उसको लेकर जो है उस पर केस किया जाए। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर अब ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जाहिर सी बात है, भले ही OTT प्लेटफॉर्म हो लेकिन एक गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए और जियो मतलब बहुत ही बड़ा ब्रांड है और उन्होंने जब ये सारा मुद्दा सामने आया और जब शिवसेना ने इस पर आवाज उठाई उनके एक लीडर ने, तो फिर जियो ने बताया कि भाई ऐसा हमारी तरफ से कुछ हुआ ही नहीं है। और अब जब ये मामला इतना बढ़ चुका है तो उन्होंने जो है अब साइबर में जाकर इस बात की कंप्लेन करा दी है कि ये जो है जिसने भी इस क्लिप को वायरल किया, आपको याद होगा वो एल्विश के साफ वाली क्लिप भी वायरल हुई थी, तब भी जियो ने कहा था कि ये डॉक्टर क्लिप है, पर ये अरमान कृतिका का मुद्दा इतना बढ़ गया कि अब ये कहा गया है कि इस पर कार्यवाही होगी जिसने भी जो है यहाँ इसको वायरल किया है या जिसने भी इस पर इस तरह की क्लिप जो है बनाई है और क्लिप के साथ छेड़छाड़ की है।